पंजाब के नौजवान तो नशे की दलदल में फसे ही हुए ने। हुण कुड़ियां की जिहड़ी नशे की आदि होने की खबरां सामने आ रही ने, तां दस दिए कि मालवा खिते दे विच अजिहियां दर्जना लड़कियां ने जो कथित तौर पर इस नशे का सेवन कर रही ने, ते नशे के आदि होने कारण इन्हां दा मापिआं नाल भी इन्हां नूं अलग होना पिया। इस रिपोर्ट जरिए देखते हैं कि आखिर किवें इह नशे की आदि हुंदियां ने। चिट्टा पंजाब की जवानी नूं निगल रिहा चिट्टे नशे रूपी जहर वालों आए दिन जिथे नौजवान मुंडिया के घर सत्र विच रहे ने, उत्थे ही मोगा विखे एक नवा कौड़ा सच सामने आया जिस विच हैरानीजनक खुलासा होया कि लड़कियां मगरों मालवा खिते विच अजिहियां दर्जना कुड़ियां ने जो कथित तौर पर नशे का सेवन करन लग गई ने, जिस कारण उन्होंने मापियां ने अपने नालों उन्हां नूं अड्ड कर दिता। रात नूं भी नशे दियां आदि ये कुड़ियां सड़कां ते घूमदियां ने। की काम करदे हो? कले रहने हो परिवार समेत? कले क्यों रहन लगे? मोगे कित्थों मिलदा नशा फिर? बस्ती केड़ी? साधा वाली बस्ती। किन्ने पैसे दे एक वारी लैने हो? ते फिर कित्थों आउंदे पैसे, की करदे हो? रात नूं ऐं करदे हो, तुरे फिरदे हो नशे की पूर्ति लई? छड्डना चाहुंदे हो नशा? एसएसपी साहब प्रशासन बहुत चंगा, तुसीं नशा छड्डना चाहुंदे हो? उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वह वार वार कह चुके ने कि इन्हां कुड़ियां नूं कौंसलिंग की लोड़ है जिस तों बाद इह नशा छड्ड सकदियां ने, पर लोगों ने पुलिस ते गंभीर इल्जाम लगाए ने। स्थानक लोगों का कहना है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो जो ये गल कर रहे हैं भी लड़कियां नशा अपनी मजबूरी दे विच मतलब कि नशे का सेवन कर रहे हैं, असी उन्होंने कर रहे हैं कॉन्टैक्ट जी, उन्होंने मापिया ना कॉन्टैक्ट करके उन्होंने मुख्यधारा लियावांगे, रीहैबिलिटेट करांगे उन्होंने, जो उन्होंने बनते हैं साइकैट्रिक्स की जो काउंसलिंग वगैरह वो करावांगे और उन्होंने डी एडिक्शन सेंटर दे विच जो सीनियर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। पिछले तीन महीनों तो नवी हुकूमत बनन मगरों प्रशासन ते सरकारी अधिकारियों वल्लों नशा खत्म करन दे दावे किए जा रहे ने, पर सूबे दे हालात अजिहे ने कि हुण कुड़ियां भी नशे दियां आदी हो रही ने। मोगा तो नवदीप सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया।